हेलो एवरीवन, सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और मेघना श्रीवास्तव ने सीबीएसई में टॉप किया है और उन्होंने टोटल 499 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 500। तो उनका एक मार्क कहाँ कटा है उस बारे में बात करेंगे और उन्होंने जो सक्सेस मंत्र रहा है उनका क्या रहा है, उन्होंने जो बातें शेयर की, उन्होंने तीन टिप्स दी थी, उन तीनों टिप्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। और उनकी जो रहा है, उनके पास जो स्कोर था वो क्या था, सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स में उनके 100 मार्क्स रहे हैं और एक मार्क जो कटा है उनका इंग्लिश में कटा है। और क्योंकि एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कभी पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते। ठीक है, तो मेघना श्रीवास्तव ने इस तरह ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया है। ठीक है, गाजियाबाद की रहने वाली है यूपी की मेघना श्रीवास्तव। मैं आपको दिखा देता हूँ लिस्ट ऑफ द टॉपर्स 2018, टॉप थ्री पोजिशंस ऑल ओवर द इंडिया। मेघना श्रीवास्तव 499 मार्क्स। सिमिलरली अनुष्का चंद्रा ने भी सीबीएसई में सेकंड रैंक लाए हैं, उनके भी सेम मार्क्स रहे हैं, बस इंग्लिश में उनके 2 मार्क्स कटे हैं, इसलिए उनका टोटल रहा है 498। और यहाँ पे 497 वाले बहुत सारे बच्चे हैं, आप लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पे। और इसी की तरह बात करते हैं उन्होंने क्या स्पेशल टिप्स दी हैं। देखो, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो सीबीएसई टॉप करने वाली है। उन्होंने बताया कि वो अपना काम डेली करती थी, मतलब जो होमवर्क मिला है वो डेली करती थी, डेली रेगुलरली पढ़ाई करती थी। उनका कभी ये एम नहीं रहा था कि उन्हें सीबीएसई में टॉप करना है या वो इतने बढ़िया मार्क्स भी गेन कर सकती हैं। उन्होंने बस अपने काम पे उन्हें पूरा बिलीव था, इसलिए आज उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने बताई, रिमूव डिस्ट्रक्शंस। ये बात मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ प्यारे बच्चों। 11th 12th क्लास पढ़ने की टाइम होता है। अब देखो, हर जगह पूरे इंडिया में वाह वाह हो रही है मेघना श्रीवास्तव की। उन्होंने कहा था कि देखो, रिमूव डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए, बाकी चीज पे ध्यान नहीं होना चाहिए। और वो रेगुलरली पढ़ाई करती थी, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो और मस्ती के टाइम मस्ती। ये आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे, मेरे पेरेंट्स भी मेरे पढ़ाई के फेज में बोलते थे। देखो, ये जो पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये ऐसा नहीं पसंद किसी को। देखो, यदि आप पढ़ भी रहे हैं और फोन पे भी बात कर रहे हैं, ये वाला प्रोसेस सबसे गलत होता है, सबसे गलत। प्लीज इसे अभी छोड़ दें। यदि आप भी अगले साल सीबीएसई में कुछ करना चाहते हैं, कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो इमीडिएटली ये वाला स्टेप आप छोड़ दें कि पढ़ भी रहे हैं और मोबाइल भी यूज कर रहे हैं। या तो पढ़ाई कर लो या मोबाइल यूज कर लो, ठीक है, चॉइस इज योर्स। तीसरा, उन्होंने क्या बताया, टीचर्स की सही टाइम टू टाइम सही गाइडेंस लेती रहती थी, ट्यूशन टीचर से मिलती रहती थी, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहना। टीचर्स यूं नहीं, अबे यार ये मुझे क्या पढ़ाएगा, मुझसे ज्यादा मुझे आता है, या टीचर ने कभी गलती से आपको क्लास में डांट दिया तो उनसे चिढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आजकल बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम आ जाती है यार आजकल के बच्चों में। प्लीज इस चीज को आप छोड़ दो यदि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, हम्बल रहा करो। तो टीचर की टाइम टू टाइम मिलते रहा करो, सर कैसे पढ़ना है, टीचर से गाइडेंस लेते रहा करो, ठीक है। तो ये उनकी तीन टिप्स थी जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस की। और मेरा एक मानना है कि गिव योर बेस्ट। आपको रिजल्ट नहीं पता आपके हाथ में खाली क्या है, आपके हाथ में खाली मेहनत करना है और आपको मेहनत करनी चाहिए। और इस यूट्यूब चैनल पे, अनिरुद्ध वालिया के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती है सारी IIT JEE नीट एम्स JEE मेन बोर्ड एग्जाम फ्री ट्यूटोरियल्स। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फटाफट और बहुत सारी वीडियो ट्यूटोरियल्स पा सकते हैं। और डेली बेसिस पे आप भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो बैच 2019-2020 स्टार्ट कर रहे हैं ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्री कोर्स, वो आप एनरोल कर सकें और फ्री में सब कुछ पढ़ सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रही टॉपर की स्टोरी, सक्सेस मंत्र मिल चुका है। फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। साथ बने रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।